ओके जी, अभी पहुंची हैं बस स्टेशन पे और आज मेरा दोस्त शहबाज ये इंडिया जा रहा है। तकरीबन कितनी देर बाद जा रहे हैं इंडिया? 4 साल 4 महीने के बाद। 4-5 साल बाद इंडिया जा रहा है। तुम्हारा शादी कब है? शादी रमजान ईद के बाद है। जाके शादी करवाएगा, इंजॉय करेगा, कोई जरूरत नहीं है जल्दी आने का। मलेशिया में कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है, सब इंडिया में है। बड़ा हरामी हो बेटा। सब इंडिया में है, जाके इंजॉय करो, शादी को इंजॉय करो और जब दिल भर गया फिर आ जाना। ओके, इंशाल्लाह फिर आएगा 4-5 महीने के बाद। जब पैसा ख़त्म हो गया तो फिर आ जाएगा। तो कैसा रहा मलेशिया 5 साल जो तुमने गुजार दिया? बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा मलेशिया है। पैसा कमाया? कमाया, बहुत कमाया पैसा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अभी कितना खुश है इंडिया जाने के लिए? अभी बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। ओके, कोई हमसे गलती हो गई हो तो हमें इसके लिए माफ़ी चाहिए? नहीं नहीं, मेरे से गलती हो गया, आप माफ़ कर देना मेरे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अभी निकालते हैं इसका सामान, और सामने ये बस स्टेशन है, इसको यहाँ पे ड्रॉप करते हैं तो इंशाल्लाह ये सुबह एयरपोर्ट के लिए निकल जाएगा। कल इसकी फ्लाइट है। इसका कैब भूल के गाड़ी में, तो अभी ये अपना कैब लेने आया है। बहुत अच्छे भाई। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके ओके, ठीक है, बाय बाय। ओके बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, गुड वाली मॉर्निंग। अभी उठे हैं तो अभी हमें सबसे पहले जो काम करना है वो है कि अपने सहरी बनानी है, और उसके बाद कपड़े चेंज करने हैं, और उसके बाद हमें निकलना है बड़े ही इंपॉर्टेंट काम के लिए। तो सबसे पहले हमें सहरी बनानी चाहिए, उसके बाद खाना पीना करके, नमाज पढ़ के, कपड़े चेंज करके, तो फिर निकलते हैं और आपको भी दिखाते हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत थोड़ा 5 बज चुके हैं। तो 5 बजे और 5:47 पर मेरा गया कि सहरी का टाइम ख़त्म हो जाता है मलेशिया में। तो सबसे पहले हमें सहरी करनी होगी, मिलते हैं आपको सहरी के बाद। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह सहरी भी हो गई है, नमाज भी पढ़ ली है और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो अभी हमें सिर्फ निकलना होगा अपने काम के लिए जिधर हमने जाना है, और हमारा जो सफ़र है वो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तकरीबन 5 घंटों का सफ़र है। अभी टाइम क्या हो गया? अभी टाइम हो गया 6 का। अभी हमें टाइम से निकलना होगा, क्योंकि हम टाइम से वहाँ पहुँचेंगे तो हमारा काम होगा, अदरवाइज हमारा काम रह जाएगा। तो चलो चलते हैं। क्या यार, सुबह सुबह पंगा हो गया। जितनी जल्दी निकले ना घर से, जितना जल्दी काम करना हो उतना ज़्यादा लेट होता है यार। अभी बस स्टेशन पहुँची है और देखे हर चीज़ क्लोज है। बोले क्या हुआ है? 7:30 बजे बस आएगी। क्या यार? यार किसी को ज़रूरत भी होती है जल्दी जाने की? पहले हमने सोचा था कि अपनी गाड़ी पे चले जाएंगे, लेकिन फिर सोचा कि यार सफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या अपनी गाड़ी पे जाएंगे, लोकल चलते हैं आराम से। तो जितनी जल्दी करने का सोच रहे थे उतना ही लेट हो गए हैं। पंगा है यार, बहुत पंगा हो गया। 1 घंटा हमें वेट करना पड़ेगा, तो अभी इधर होटल में बैठते हैं, क्योंकि हमारा तो रोज़ा है यार, कहीं और बैठ भी नहीं सकते ना कुछ खा भी सकते हैं, रोज़ा है क्योंकि। तो चलो 1 घंटा वेट करना तो है। सुबह 6:30 बजे का टाइम हुआ, और इन लोगों को पता नहीं कौन सी भूख लग गई है, जो अभी तक इन्होंने काम खाना स्टार्ट कर भी दिया है, पता नहीं सारी रात ये क्या करते रहते हैं, सुबह सुबह इन्हें भूख लग जाती है। अभी 6:30 का टाइम हुआ, इतना वेट किया कि पेट में कुछ कुछ होने लग गया, मुझे जाना होगा। ओके, मैं 1 मिनट हो गया। ऐसी एमरजेंसी, आपको सारे काम छोड़ के ये करना पड़ेगा? आए हाँ हाँ, अभी सुकून है, ये बहुत ही ख़तरनाक एमरजेंसी है, सब काम छोड़ के जाना पड़ेगा आपको। गाड़ी को पार्किंग में खड़ा कर दिया है, और अभी हमें जाना होगा बस स्टेशन पे, वहाँ से लेके टिकट और फिर चलते हैं KL। फाइनली खुल गया, अभी यहाँ से लेते हैं टिकट। जल्दी खोल यार, जल्दी खोल, बहुत लेट हो गया। अभी यहाँ से हमें लेनी है टिकट, और उसके बाद हमें जाना है KL। यहाँ से लेके टिकट, आंटी आ चुकी है। टिकट तो ले लिया, लेकिन अभी 45 मिनट और वेट करना पड़ेगा। 7:45 पे बस आएगी। क्या यार, बहुत लेट कर दिया। आ गई बस, आ गई यार, शुक्र है तेरा, इंतज़ार कर करके सुंगड़ गए सी। चलो जी, फाइनली बस आ गई है, ये वाली बस है जी हमारी। सीट नंबर 9 जी। फाइनली किधर है 9 नंबर? ये है 9 नंबर। ओके जी, फाइनली पहुंच चुके हैं TVS 5 घंटे के बाद, और बैठ बैठ के ना तशरीफ भी फुल गर्म हो चुकी है। तो अभी हमें जाना है, वैसे में टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, तो जो हमने जो हमारा प्लान था वो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी हमें स्टेशन का पता नहीं चल रहा, तो नवीद भाई गए हैं पुलिस वाले से पूछने के, यार मैंने पाकिस्तान में बैसी में जाना था तो कौन सी ट्रेन मुझे पकड़नी होगी।
क्योंकि ग्रैब का यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, इसीलिए डिसाइड किया कि हम ट्रेन पे चलते हैं। तो अभी रेलवे स्टेशन पे पहुँचे हैं, तो इधर से इंशाल्लाह जल्दी ही हमें मिल जाएगा टोकन और फिर निकलते हैं पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ। चलो जी, हमारे टोकन निकल आए हैं। ये वाला सिस्टम ठीक है यार, ऑनलाइन निकालो खुद ही, ना किसी के पास जाने की ज़रूरत है। आ गया। ओके जी, टोकन आ चुके हैं बाहर। अभी नीचे वेटिंग एरिया में चलते हैं। ओके, खुल जा सिम। चलो जी, अभी नीचे चलते हैं वेटिंग एरिया में और वहाँ पे जाके करते हैं वेट। और मेरा ये फर्स्ट टाइम है मलेशिया में, मैंने पहले कभी ट्रैवल नहीं किया ट्रेन से, तो ये मलेशिया में मेरा फर्स्ट टाइम है ट्रेन से। मज़े के साथ करते हैं, कैसा एक्सपीरियंस है देखते हैं। ओके जी, ट्रेन आ चुकी है हमारी, अभी बैठते हैं ट्रेन में। एक ट्रेन जाती है और एक मिनट के बाद दूसरी ट्रेन आ जाती है, समझ ही नहीं आता कि कौन सी ट्रेन में बैठना कौन सी में नहीं बैठना। अभी हम ढूंढ रहे हैं कि किधर जाएं, देखो कभी इधर कभी इधर, क्या पंगा है यार। अभी दूसरी ट्रेन के वेटिंग एरिया की तरफ जा रहे हैं, वहां पे जाके देखते हैं कि कब ट्रेन आती है। अभी तो हमारे साथ फुल पंगा हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही किधर जाना किधर नहीं, बस चलते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे ना। ट्रेन आ चुकी है लेकिन पता नहीं है ये ट्रेन हमें लेके जाएगी कि नहीं वहाँ पे जहाँ पे हमने जाना है, लेकिन चलो अंदर मज़े ही मज़े, घूमो फिरो, कहीं ना कहीं तो लेके जाएगी ना। बहुत ज़्यादा जलालत के बाद लेकिन हम अभी पहुंच चुके हैं, अभी पाकिस्तान एम्बेसी में पहुंच चुके हैं। वो सामने पाकिस्तान एम्बेसी है, थोड़ा सा पैदल चलेंगे 2-3 मिनट तो पाकिस्तान एम्बेसी में पहुंच जाएंगे। अभी टाइम हो गया है 1 का, तो मेरा ख्याल अभी लंच ब्रेक होगा पाकिस्तान एम्बेसी में, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ओपन कर देंगे दोबारा, तो 5 मिनट में हमने अपना काम करना है और फिर वापस। ओके जी, पाकिस्तान एम्बेसी में पहुँच चुके हैं। ये सामने जो आपको गेट नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान एम्बेसी का, ये वाला। और अभी मैं अंदर चलता हूँ और देखते हैं कि क्या सीन है। जी, ये जो गेट आपको नज़र आ रहा है ये पाकिस्तान एम्बेसी का, तो अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। आज यार सुबह से पंगे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पंगे हो रहे हैं। हमें ये था कि 12 बजे से लेके 1 बजे तक उनका ब्रेक होता है लंच ब्रेक, लेकिन अभी हम अंदर गए हैं तो उन्होंने बोला कि भाई 1 बजे से लेके 2 बजे तक लंच ब्रेक है, तो अभी हमें 1 घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा। यार आज सुबह से बहुत ज़्यादा लफड़े हो रहे हैं, क्या चक्कर है। ओके जी, फाइनली पासपोर्ट मिल चुका है और हम अभी जा रहे हैं वापसी की तरफ, अपने घर की तरफ, क्योंकि हमारा रोज़ा भी है तो यार टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा वापसी जाते, तो थक भी चुके हैं क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा है। सो इसकी कीमत का आपको नहीं अंदाज़ा रे, जो लोग बाहर में हैं उनसे पूछो इसकी क्या कीमत है। हमारा माँ बाप यही है क्योंकि जो भी पूछता है वो पासपोर्ट का पूछता है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कौन हो क्या नहीं, वो बोलेगा पासपोर्ट दिखाओ। सो हमारा माँ और बाप यही है। मेरा तो दिल करता है इसकी चुनिया लूँ, आए मेरा बच्चा किधर रह गया था। चलो यार ये बहुत अच्छी बात है, ये सबके पास होना लाजमी है। TBS बस स्टेशन पे पहुँच चुके हैं, यहाँ से अब हम लेंगे टिकट्स जोहर बारू के लिए। काफ़ी ज़्यादा रश नहीं था, ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान की वजह से लोग ज़्यादातर घरों में रहते हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इसको इसलिए कहते हैं बसों का एयरपोर्ट, ये सारी टोटल बसेज हैं ऊपर आपको जो स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ये सब जो है ना वो टाइमिंग है बस की किधर किधर जाएगी, इसलिए इसको बसों का एयरपोर्ट भी कहते हैं TBS को। तो रोज़ा मुझे फुल लग रहा था इसलिए मेरा बोलने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए मैंने अभी वॉइस ओवर किया घर में आके, वहाँ पे तो बोला भी नहीं जा रहा था। ये ऑनलाइन टिकट निकालने का सिस्टम है, इधर से आप खुद अपनी मर्ज़ी से जिधर का मर्ज़ी टिकट निकाल सकते हैं। तो हमें टिकट्स मिल चुकी थी, अभी हम वेटिंग एरिया में जा रहे हैं बस के लिए। जैसे ही बस से नीचे उतरे हैं साथ में ये जाने होना शुरू हो गए, तो सामने हमें एक होटल नज़र आया, सोचा यहाँ से इफ्तारी कर लेते हैं, लेकिन हमें पसंद नहीं आया ये होटल, साथ में मलेशियन लोगों का होटल था। तो भाई नवीद बोलते हैं कि वहाँ जो सामने वाला होटल है वहाँ पे चलते हैं, तो
तो वहाँ वाले होटल पे जाके देखा तो उनके पास भी ये समोसा पता नहीं क्या क्या मलाई वगैरह का खाना था। तो हमने उधर से चावल लिए और साथ में गोश्त लिया और वो खा के अफ्तारी की। आज का दिन यार बहुत जलालत वाला दिन था। अभी अभी पहुंचा मैं घर में, अफ्तारी भी मेरी रास्ते में हुई है। जैसे हम बस से उतरे और साथ में जाने शुरू हो गई हैं तो साथ में होटल था एक मलेशिया लोगों का, वहाँ से हमने अफ्तारी की है। कुछ खास मज़ा नहीं आया, तो नींद भी फुल आई हुई थी क्योंकि 10 घंटे का सफ़र था। तो 10 घंटे रोजे के साथ ट्रैवलिंग करना मेरा ख्याल है कि आसान नहीं होगा। अभी बिल्कुल घर पहुंचे हैं तो अभी नींद फुल टना टन नींद आई हुई है। दिल कर रहा है कि अभी सब कुछ छोड़ के सो जाऊं। तो मैं ऐसे करूंगा, अभी कोई काम नहीं करना, डायरेक्ट सोएंगे, जो भी काम करेंगे सुबह करेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। तो आपके साथ मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। आपने एक काम करना है और ज़रूरी करना है यार, बाइक की हेल्प भी हो जाएगी आपका, क्या जाएगा। आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करना है, हल्का सा, ज़्यादा सख्त नहीं, हल्का सा आइकन को करना प्रेस, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम के साथ मिल सके और आप मेरी वीडियोज़ देख सकें कि मैं किधर किधर जलील हो रहा हूँ, किधर किधर इंजॉय कर रहा हूँ, सब कुछ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो में।